दोस्तों, यदि आपके पास बजट कम है और आप अपना बेहतरीन सा घर बनाना चाहते हैं, सुंदर सा घर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आज एक ऐसे प्लान को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जो कम बजट में आप इसे बनवा सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ साथ अगर आप इसका 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं कि मतलब कि रूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो पूरा डिटेल के साथ वीडियो आज हम बताने वाले हैं। काफी खूबसूरत प्लान है। अगर आपके पास एरिया भी लगभग 800 से कम है, मतलब 750 स्क्वायर फुट में ये प्लान मैंने पूरा क्रिएट किया है। 25x30 फीट जो कि मकान का साइज है, 25 का फ्रंट है, 30 इसकी लंबाई, और एक बेहतरीन से डिजाइन के साथ मैंने इसको क्रिएट किया है। तो चलो पूरा डिटेल जान लेते हैं। इसके लिए मैं ले चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, पर यहाँ पर आते ही देख सकते हैं आपको ये मॉडल पूरा देखने को मिलता है। काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है, लो बजट प्लान है, इस वजह से यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं क्रिएट की हैं, इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। अगर आपके पास चारों तरफ जगह है तो आप चारों तरफ विंडो लगाएं, अन्यथा आप जो मैंने साइड में या बैक साइड विंडो लगाई हैं इनको आप रिमूव कर सकते हैं। ये जो प्लान है वो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमसे पेड सर्विस लिया था, तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया था। उनके चारों तरफ जगह पड़ी है, इस वजह से उन्होंने चारों तरफ विंडो वेंटिलेशन के लिए लगा रखे हैं। अगर आपका केवल फ्रंट में जगह है तो आप इस मॉडल को ऐसा बनाएं और साइड वाली जो भी विंडो है उनको रिमूव कर दें। तो आज का जो प्लान होने वाला है उसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। इसको कैसे बनाना है, मिस्त्री आपका कैसे बनाएगा, वो सारा समझ लें। आप देख सकते हैं फ्रंट से ये बेहतरीन सा आपको एक लॉन या बरंदा टाइप को देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बीम जो कि जिगजैग मोशन में बना है, जो कि एक डिजाइनिंग के पर्पज से मैंने क्रिएट किया है। कॉर्नर पर मैंने एक पिलर दिया है जिससे ये पूरा बीम टिका हुआ है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर आते ही आपके सामने ये मॉडल ऐसा दिखेगा। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये लॉन या बारंदा देखने को मिलता है। यहीं से आपकी घर के मेन एंट्री होती है और गेस्ट रूम में भी आपकी बारंदे से एंट्री मैंने दी है। गेस्ट रूम में एंट्री करने के लिए डोर मैंने दिया, आप इस गेस्ट रूम में आ जाएंगे और यहाँ पर दो विंडो दिया है, साइड में और फ्रंट में। इसका फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर एक विंडो में मैंने एक फ्रेम दिया है जिससे घर का लुक और बेहतरीन लगने लगे। बात करते हैं मेन एंट्री की। तो मेन एंट्री इस डोर से होने वाली है। यहाँ पर आप आगे जाते हैं तो आपको एक किचन बड़ा सा मिलता है। किचन को मैंने फ्रंट में इस वजह से रखा है जिससे बारंदे से प्रॉपर वेंटिलेशन इसका होता रहे, आप विंडो यहाँ पर यूज कर पाएं। इसके बाद सबसे कॉर्नर पर भी आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है और इसको वेंटिलेशन के लिए साइड से विंडो दी है। लेकिन अगर आपके पास साइड में जगह नहीं है तो आपको इस विंडो को हटाना होगा और आपको अपने आंगन में यहाँ पर एक जाल रखना होगा जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। वहीं बात करें स्टेयर्स की, तो इधर से आपकी स्टेयर्स से जाती हैं, टर्न होकर वापस आएंगी और उसी के नीचे मैंने एक लेट एंड बाथ क्रिएट कर दिया है। तो ओवरऑल ये बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है मात्र 25x30 फीट में, जो कि 750 स्क्वायर फीट मॉडल है। ग्राउंड फ्लोर ये बनकर रेडी हो जाता है और मैं इसे जूम कर दूं एक बार, इससे आप प्रॉपर सारी चीज़ें समझ पाएं और इस मॉडल को बना सकें। बात करते हैं इसके लास्ट और फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल आपको चारों तरफ मिलता है और ये वाला वॉल जो ग्रिल जिस पर लगा है उसको मैंने 2.5 फीट आगे और निकाल दिया है, जिससे आपको ग्रिल बीच में स्टील का ग्रिल, साइड में ईंटों का ही डिजाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है और ये रेड ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन दिया है। ये दोस्तों पीओपी वाला ही डिजाइन आपका बना पाएगा, तो आप पीओपी वाले डिजाइन कॉन्ट्रैक्टर जो भी आपका काम करता है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो नीचे गेस्ट रूम था सिमिलर वही रूम मैंने ऊपर क्रिएट कर दिया है और विंडो भी सिमिलर वही है और इस पर छत बना दी है। तो ओवरऑल 25x30 750 स्क्वायर फीट में ये मॉडल बनकर रेडी होता है। और अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2D प्लान मतलब दोस्तों इसका रूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, बारंदे का साइज क्या है, रेलिंग का साइज क्या है, सारा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, आप एक बार जरूर विजिट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, यदि आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया है जिससे आप हमें डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उन्हें जरूर फॉलो करिएगा और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्मॉल हाउस प्लान को उसे भी जरूर फॉलो करिएगा जिससे वहां पर आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।